गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर लोकेश महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी, अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल। आज हम बात करेंगे डिस्क प्रॉब्लम से होने वाले कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द का सबसे कॉमन रीजन है डिस्क प्रॉब्लम्स। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके मनकों के बीच में डिस्क होती हैं, और जब बढ़ती उम्र के साथ डिस्क डीजनरेट करने लगती है तो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसकी वजह से वो नसों पर दबाव डालती है। तो ऐसे मरीजों को कमर में दर्द हो सकता है, कमर का दर्द पैरों में जा सकता है, पैरों में या टांगों में सुन्नपन रह सकता है, झिझनाहट हो सकती है, पैरों में या पैरों की उंगलियों में कमजोरी आ सकती है, यहां तक कि लैट्रिन पेशाब की भी दिक्कत हो सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि ये डिस्क प्रॉब्लम्स यंग पीपल को भी अफेक्ट कर रही है। उसका कारण है वजन का बढ़ जाना, भारी चीजें उठाना, पोस्चर ठीक ना होना, और इनफैक्ट स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है डिस्क प्रॉब्लम्स के लिए। तो जब हमारे पास पेशेंट्स डिस्क प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, साथ में कुछ मेडिसिंस देते हैं जैसे कि पेन किलर्स, नसों के विटामिन जैसे कि विटामिन B12, B6। साथ में ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलते हैं, जैसे इस तरह के पेशेंट आगे को ना झुकें, भारी चीजें बिल्कुल मत उठाएं, जमीन पर मत बैठें, जब भी बैठना हो तो कुर्सी या मेज लेकर बैठें, घर पर अगर इंडियन और वेस्टर्न दोनों टॉयलेट्स हो तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी बेड पर लेटें या बेड से उठें तो सीधे मत उठें, करवट लेकर बेड से उठें और करवट लेकर ही बेड पर लेटें। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को हम एक बेल्ट एडवाइस करते हैं, लंबो सेक्रल बेल्ट, और उन्हें कहा जाता है कि जब भी ये लोग चलें या कोई काम करें तो बेल्ट लगाकर काम करें। हमने देखा है कि ऐसे मरीज इन दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और इन प्रिकॉशन से काफी आराम महसूस करते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को पेन में आराम नहीं आता, फिर ऐसे पेशेंट्स को हम एक्सरे या MRI के लिए भेजते हैं। और अगर हमें लगे कि नसों पर दबाव काफी ज्यादा है, डिस्क बहुत बड़ा है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन किया जाता है, जिससे हम डिस्क को निकाल लेते हैं ताकि नसों पर दबाव कम किया जा सके। आजकल ये सब ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होने लगे हैं, जिससे पेशेंट का ऑपरेशन के दौरान बहुत कम ब्लड लॉस होता है, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन भी बहुत कम होता है, और ऐसे पेशेंट जल्दी घर चले जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद जल्दी चलने फिरने लगते हैं। और अगर हमें एक्सरे पर ऐसा लगे कि हड्डी भी अपनी जगह से खिसकी हुई है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम स्क्रू रॉड डालकर हड्डी को फिक्स किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ये हमने जाना डिस्क प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगा कि किसी भी पेशेंट को अगर कमर दर्द काफी समय से बना हुआ है या कोई भी ऐसा सिम्टम है जो हमने आज डिस्कस किया, तो प्लीज अपने न्यूरोसर्जन से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।